तो हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपने कल और परसों वाला व्लॉग देख ही लिया होगा। तो ये हमारे अपार्टमेंट्स की पाथवे है जहाँ से हम अपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो बस लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे, सिम वगैरह लेंगे और मॉल जाना है, काम है एक आधा, वो दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं, आज का व्लॉग दिखाते हैं आपको, चलो चलें। तो गाइस, हम बाहर निकल गया, -10 है और ये हमें लेने आए हैं भाई। तो अभी चलते हैं, चलो फिर मिलते हैं मॉल चल के आपको। तो गाइस, अभी हम मैगडी रुके थे, ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे, दिखाते हैं क्या ऑर्डर करेंगे, फिर जाएंगे मॉल वगैरह जाना जाना। लेकिन सिम आज मिलेगा शाम को 3 बजे, तो वेट करनी पड़ेगी बहुत। तो गाइस, ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम जाएंगे, बढ़िया चैलेंजर है, देख सकते हैं आप। तो चलो बस अब जाते हैं, सामान मैगडी खा लिया हमने, ये मैगडी है। तो चलो एक पिक्चर करा लें इसके साथ, फिर निकलेंगे। तो गाइज, अभी हम ग्रोसरी ले आए हैं, $28 की आई ग्रोसरी। अभी बस वो यहाँ पे बस सामने ही था स्टोर, पैदल अपना आराम से आ गए हैं। वो भाई की जॉब थी तो वो चला गया। अब मैं और नमन है बस अपने रूम पे जाएंगे, फिर दिखाते हैं हम ग्रोसरी क्या कुछ रेट आई है और हम कहाँ से लाए हैं। स्टोर तो दिखा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे इशू था वीडियो बनाने का, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं ऊपर रूम पे और फिर दिखाते हैं आपको। गाइस, ये हमारे रूम की है, 107 हमारा रूम नंबर है, फ्लैट नंबर, और ये ग्रोसरी है। तो ये देखो, बस इसे करेंगे ओपन लगा के, अभी अंदर चलते हैं फिर मिलते हैं आपको। बस सेटिंग कर लिया हमने, अब अपने कपड़े वगैरह की, हमने अपना ग्रोसरी सारी सेट करके रख दिया, चेक कर सकते हैं। आटा वगैरह सारा, सूप वगैरह रख दिया, ब्रेड है, ओवन है, ये देखें यहाँ गैस ऐसा होता है। और हम 2-4 प्याज टमाटर लाए थे, तो ये सारी हमारी ग्रोसरी है। तो बस अभी तो ये $28 का सामान आया, ये दूध, आटा, ब्रेड, अंडे के ट्रे और शुगर वगैरह, $28 में है सारा कुछ। तो दिखाता हूँ अभी आपको बिल। तो गाइज, अब हम निकले हैं, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ले लिए हमने, चेक करो। तो बाहर धूप निकली हुई है पर, लेकिन हवा चल रही है ठंडी, तो कैप डाल लेते क्योंकि हमारा सिर गिल्ला है और बीमार होने वाले काम हो जाएंगे। तो एक मिनट कैप डाल लें। तो गाइस, देख सकते हैं हमने नीचे टी शर्ट डाली हुई है और ये हमारा बैग और डॉक्यूमेंट सारे हैं। तो नमन और मैं बस अब बस की वेट करेंगे, तो टाइम पे होती है बस यहाँ पे, बस 5 मिनट में आ जाएगी। तो चलो बस में चलते हैं और दिखाते हैं कनेडा की बस आपको। ये कनेडा का व्यू है विनिपेग का, ये हमारी बिल्डिंग है जहाँ हम रहते हैं। तो चलो चले चेक करें गाइस, यहाँ पे हम ऐसे बटन दबाते हैं तो हमें रोड क्रॉस करने का सिग्नल मिल जाता है। तो ये ज़रूरी होता है, ये कंपलसरी आए हैं बटन दबा के रोड क्रॉस करना। तो बस रोड क्रॉस करते हैं, फिर बस की वेट करते हैं। कहाँ पे आएगी भाई बस? वहाँ आएगी बस, अब वहाँ जाएंगे अब हम। तो भाई चेक करें, बस आ गया हमारी, जितने भी सिक्के हैं सारे डालने पड़ेंगे। तो बस अभी बस में चलते हैं, फिर मिलाएंगे आपको, बस के अंदर का दिखाएंगे भी। चेक करें भाई, ये कनाडा की बस है, अभी आपको बाहर का भी दिखाते हैं। ये हमारे बस का स्टॉप है, चेक करें। ये बाहर का व्यू है फ्रंट से, देख सकते हैं आप, मैंने पकड़ा हुआ है ना, मैंने मुझे पकड़ा, कहता अगर मुड़ेगी तो गिर जाएगा। ये देखो, ये स्टॉप आ गया, दरवाज़ा खुलेगा अब। ये देखो, हो गया दरवाज़ा ओपन, चेक करो गाइस। यहाँ हमने सीन नंबर लेना है, तो दिखाते हैं कि सीन नंबर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं। तो चलो चलें, बस के अंदर सेफ्टी रीजंस है, मतलब ना हम यहाँ पे किसी की ना उसकी परमिशन के बिना वीडियो नहीं बना सकते, अगर उसे पता लगा तो वो केस कर सकता है हमारे ऊपर, इसलिए हमने बस में वीडियो नहीं बनाई। तो ये देखो कितनी मतलब कि बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं लगता, ऐसे कहते हैं ठंड है, लेकिन हमने सिर्फ टी शर्ट के ऊपर जैकेट डाली हुई है, नॉर्मल ही है, देखो कितनी धूप निकली हुई है दिखी। तो चलो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं हम, जगह का नाम क्या है? सर्विस कनाडा। सर्विस कनाडा जाएंगे, वहाँ पे सिम नंबर लेना है हमने, सिम भी हमारा आ गया है तो सिम भी लेंगे। और चलो दिखाते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स ये सिम नंबर के लिए, और सिम नंबर वाली जगह दिखाते हैं। मिनी पैक में चेक करें कितनी मतलब कि स्नो हो रही है,
ये देखो गाइस, हम ऐसे मतलब ये देखो पैर ही अंदर जा रहा है हमारा स्नो के, आपको दिखाने के लिए हम स्नो में बढ़ के देख सकते हैं हमारा जुनून आप वीडियो बनाने के लिए। तो ये देखो कितनी स्नो है, मतलब ठंड है लेकिन इतना पता लगता, धूप भी है, चलना पड़ेगा। अब जाते हैं सीधा, चल के सीधा वहाँ पहुँच के दिखाएंगे आपको। अरे स्कूल है यहाँ का छोटे छोटे बच्चों का, तो बस अब हम सर्विस कनेडा ढूंढ रहे हैं, मिला ही नहीं। नमन क्या बात, सर्विस कनेडा कहाँ है? आगे है बस, चलो सर्विस कनेडा पहुँच के मिलते हैं। सर्विस कनेडा विनिपेग मैनिटोबा। तो बस अपने डॉक्यूमेंट लेकर अंदर जाएंगे, लाइन नहीं आज, जल्दी मिल जाएगा बता सीन नंबर। चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं फिर अंदर, अगर रिकॉर्ड ना करने दे तो समझ जाना। हमें अंदर बिठा दिया है इन्होंने, ये हमें नंबर दिया था 45, बस ये नंबर कॉल करेंगे फिर हमने अपना जाएंगे सीन नंबर लेने। तो वेट करते हैं बैठ के यहाँ रूम में, फिर दिखाएंगे आपको। तो गाइस सीन नंबर मिल गया फाइनली, 2 घंटे बाद हमें देख सकते हैं यहाँ से, हमने सीन नंबर लिया है। तो बस अब जाएंगे, बस की वेट करेंगे और फोन नंबर लेने जाएंगे। सीन नंबर के लिए उन्होंने कुछ नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने कहा कि अपना फादर नेम बताओ, मदर नेम बताओ। हमने उनको लिख के दिया अपना नंबर, मदर नेम और फादर नेम। तो उन्होंने फ़ोन नंबर मांगा हमारा और हमारा एड्रेस पूछा, उसके बाद वो प्रिंट आउट दिया उन्होंने हमारे सीन नंबर का। बस इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बस अपना पासपोर्ट और स्टूडेंट परमिट ले जाना, और पहले आपको टोकन देंगे, फिर आपको टोकन से बुलाएंगे, फिर उसके बाद बस आपको वो अपने आप बुला के ले देंगे भाई आपके नेम से। तो अब हमें सिम नंबर तो मिल गया, अब सिम नंबर लेके आते हैं। तो चलो दिखाते हैं कहाँ से लेंगे हम अपना सिम नंबर। तो गाइस अभी हम ना हम सिम नंबर लेके आए थे, हमारी ना बस मिस होगी क्योंकि वो रोड क्रॉस करने वाला, जैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि जब तक हमारा सिग्नल नहीं होता तब तक रोड नहीं क्रॉस कर सकते, तो बस आ गई और हमारा सिग्नल हुआ नहीं, उसकी वजह से हमारी एक बस छूट गई। अब 15 मिनट बाद है, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, इसलिए ये सामने प्लाजा था, हम यहाँ रुके हैं, चेक कर सकते हैं मेरे पीछे प्लाजा आप। तो बस अब देखते हैं कुछ खाने का भी लेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से और फिर आपको सीधा मिलेंगे हम जब बस आएगी वो दिखाएंगे। तो गाइस अभी वी बॉट 2 चीज़ केक, देख सकते हैं ना, मन दिखाइए चीज़ केक। तो $4 का एक था, $8 के आए हैं, अभी बिल पे करेंगे कैश काउंटर पे। इनको ये नहीं है भाई हमारा बंदा सामान पैक करा के पैसे बाद में देने हैं, बंदा लेके भाग दे क्या कर लेंगे ये। तो चलो फिर, हम तो ईमानदार हैं, बिल कटवा लेते हैं अपना। तो वेट अ सेकंड, बिल कटवाएं तो चेक करो भाई, ये नमन ने चीज़ केक दे दिया, अब हम बिल कटवा रहे हैं यहाँ। $20 देंगे, ये $10 काटेंगे टैक्स में। तो $8.56 लगे हमारे, मतलब $8.56 है। तो ये बिल है, चेक करें, बस लेते फिर निकलते बाहर। खाई ये देखो चीज़ पेस्ट्री हमारी, बहुत टेस्टी है, खा के बस निकलते, बस अभी 7 मिनट में खाते हैं और निकलते हैं, 7 मिनट में बस है हमारी, दिखाते हैं फिर आपको। तो गाइस हमने चीज़ केक खा लिया, बहुत हैवी था पर टेस्टी नहीं था, भूख लग रही थी, खाना पड़ा तो ओए नमन बर्फ में गिर गया था मैं। गाइस अभी बर्फ में मेरी पूरी टांग चली गई थी, देख सकते हैं जुराबों में भी बर्फ डल गई है। तो गाइस अभी हम घर जाने से पहले हम मॉल के लिए रुके थे, तो ये देखो सामने सामने गाइस मॉल है, पोलो पार्क, अभी अंदर जाएंगे, अंदर से दिखाते हैं मॉल आपको। गाइस अभी एकदम हमारी नज़र इधर गई, ये क्या, हमने देखो शमशान घाट है, ये देखो गोरव का शमशान घाट, कब्र ही कब्र है, ये देखो चेक करो, और वो सामने मॉल, इधर कब्रिस्तान। तो चलो चलते हैं हम मॉल दिखाते हैं आपको, कब्रिस्तान तो देख ही लिया आपने, अंदर जाके क्या ही दिखाना, हम मॉल देखो। तो गाइस ये हम मॉल में एंटर हो गए हैं, चेक करो मॉल कनेडा विनीपेग का, ये शोरूम है इधर, और ये इधर दुकान है, ये पर्स वर्स लेने है किसी ने तो, ये मतलब चलो एक दुकान पे जाएंगे, एप्पल स्टोर पे चलते हैं, वहाँ दिखाएंगे आपको। तो गाइस ये एप्पल स्टोर है यहाँ का, ये देखो यहाँ पे प्राइस चेक कराते हैं आपको, 14 Pro Max मिलेगा आपको, इन्होंने प्राइस नहीं लिखा हुआ, चलो पूछ लेंगे अभी, चेक करो एप्पल स्टोर। तो गाइस हम एप्पल स्टोर से तो बाहर आ गए हैं, कुछ पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया, जब आएगा तब ले लेंगे, चलो कुछ और दिखाते हैं हम आपको। तो गाइस हम यहाँ पहुँचे थे चैम्प स्पोर्ट्स पे, देखने कुछ कपड़े वगैरह, तो ये देखो कितने बढ़िया कपड़े बने। नमन तू भी यहाँ से लेता है?
नमन इससे भी नहीं। हाँ नमन तो नहीं लेता यहाँ से, कहता तू देख लेगा तुझे कुछ पसंद आए, पर मुझे ठीक सा नहीं लगा, कुछ क्वालिटी नहीं है इनके कपड़ों की। चलो कहीं दूसरे पे चलते हैं अभी के लिए भाई। तो गाइज ये विनीपैक का मॉल है, हमने दिखाया था पोलो मॉल, तो यहाँ पे ये फर्स्ट मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला जो फ्लोर है, यहाँ पे सारे सबसे महंगे महंगे ब्रांड है अपने मतलब कि पूरे कनाडा के सारे ब्रांड मिलेंगे आपको। ये देखो, ये देखो प्लेस, और देखो फॉसिल, और मतलब सब मिलेगा यहाँ पे आपको जो चाहिए। तो चलो हम जाते हैं दूसरे कहीं शोरूम में, बढ़िया से जाना मानने के जा रहा है हमको, तो वहाँ जाके मिलते हैं आपको। तो गाइज अभी हम गए थे यहाँ पे ना, मतलब स्टॉक सारा ख़त्म सा हुआ पड़ा है और बढ़िया नहीं लगा हमें। तो अभी हम पहले फूड कोर्ट जा रहे हैं, पेट पूजा करेंगे तो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको, दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं हम। तो गाइज अभी हम जाते जाते यहाँ रुके थे जेडी स्पोर्ट्स, यहाँ पे सारे ब्रांड के क्लोथ पड़े हैं। तो ये देखो, ये देखो गाइज नॉर्थ अमेरिका प्राइस पढ़ो, $430 है इसका प्राइस। और ये देखो जीन्सेज वगैरह, और ये मेंस के, तो ये देखो जॉर्डन के सारे क्लोथ हैं यहाँ पे, तो एडिडास सारे ब्रांड है, तो लेना है तो अभी कुछ नहीं है, बाकी अगर कुछ पसंद आया तो ले लेंगे। चेक करो गाइज, चेक करो, नमन को तो पता था मेन्यू में क्या ऑर्डर करना है, इन्हें फटाफट इंग्लिश में बोल दिया, तो बस ये ऑर्डर बना रहे हैं। तो अब ये सामान डलवा रहे हैं नमन, चीज़ वगैरह, ये वेजिटेबल भी डालेंगे, सोसेज डालेंगे, बस फिर लेते हैं, फिर खाएंगे दिखाएंगे आपको सबवे। तो गाइज अब हम सब ले आए थे, कौन सा हमने लिया है, नॉन वेज अभी मिल रहा था, नॉन वेज ही लिया, खाते हैं आप दिखाएंगे फिर आपको ग्रिल चिकन, चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइज ये हमने चिकन पॉपकॉर्न लिया है के एफ सी से, ये देखें, और के एफ सी है सब खाया था, तो डिपिन की ज़रूरत है तो डिपिन लाते हैं। तो गाइज अब हम मॉल से जा रहे हैं वापिस, कहाँ जाएंगे देखते हैं, घर जाएंगे असीम देने, टाइमिंग के हिसाब देखते हैं कैसे, नमन ने जॉब पे जाना है तो देखते हैं क्या सेटिंग बैठती है। तो गाइज अभी हम पहले घर जाएंगे, नमन का वहाँ से रिज्यूमे उठाएंगे, वो प्रिंट भी कराना है। तो अभी हम बस में बैठ गए हैं, 78 नंबर बस है, 78 नंबर बस है हमारी। तो अभी पता क्या हुआ, मेरे को ना ये पुरानी टिकट थी, मैंने यही स्कैन कर दी, अब वाले पैसे दिए, बढ़िया है चल जाती है पुरानी टिकट हुआ, तो चलो चलते हैं। गाइज अभी नमन को जो मिली है वॉलमार्ट में इंटरव्यू है, तो हम जा रहे हैं वॉलमार्ट जाएंगे अभी, तो दिखाते हैं। सिम तो आज नहीं मिल पाएगा क्योंकि लेट हो गए हैं, सिम मिलेगा कल, तो कल जाएंगे सिम लेने, अभी चलते हैं वॉलमार्ट दिखाते हैं आपको। अभी ना मतलब कि हमारी बिल्डिंग के नीचे उतरो तो बस स्टॉप है, बस में बैठ गए थे, अब इसमें से आवाज़ें पता हरियाणा रोडवेज जैसी आवाज़ें आ रही है एकदम लिफ्ट हो गई। हाँ तो कहना कनाडा की बस से आवाज़ें सुनना आप, देखो खड़ 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 खड़, ये देखो एकदम हरियाणा रोडवेज की फीलिंग आ गई। अभी हम ना नमन की यूनिवर्सिटी आए थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, भी आपको दिखाएंगे इसका वॉक थ्रू, मतलब बाहर जाएंगे जब तब दिखाते हैं आपको। अभी हमारी बस आने वाली थी 4 मिनट में, तो हमें भाग के आना पड़ा, इसलिए हम यूनिवर्सिटी नहीं दिखा पाए। तो ये चेक करें नंबर पर आती है बस, एकदम 74 नंबर है, 3 मिनट दिखा रही है आने वाली है, तो उसमें बैठे फिर मॉल मेट दिखाएंगे आपको चल के, तो चेक करो। तो भैया पीछे बस है, इसने सीधा हमें वॉलमार्ट के बाहर उतारा है, तो बस अब नमन इंटरव्यू देने जाएगा, अंदर दिखाएंगे आपको क्या सीन है। सामने वॉलमार्ट है और हम जा रहे हैं अब वॉलमार्ट में, तो चलो अंदर चलते हैं फिर दिखाते हैं वॉलमार्ट के अंदर। तो गाइज हमने वॉलमार्ट में नमन का इंटरव्यू हो गया, तो दोस्त ही निकले तो उन्होंने क्लियर कर दिया, बस कल से जॉब है नमन की। तो ये देखो ये वॉलमार्ट है कितना मतलब वंडरफुल है, चेक कर सकते हैं, सामने फ्रूट है, कुछ भी कपड़े रहने $20 $22, और ये सारे कार्ड्स, मतलब कि वॉलमार्ट पे भी किस दिन हम स्पेशली बनाएंगे वीडियो। तो अभी ये देखो ये सारी बेकरी है, वॉलमार्ट आना होगी इसने, सबसे डिस्काउंट पे सामान मिलता है, ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉथ्स। तो देखेंगे हम भी यहीं भी जॉब करेंगे, बात करते हैं ना मुझसे क्या रहेगा। तो चलो ठीक है घर चल के मिलते हैं फिर अब आपको। गाइस बस हमारी आधे घंटे बाद है, अब हम वापस अंदर जा रहे हैं वॉलमार्ट के, घूमेंगे थोड़े, देखेंगे वॉलमार्ट का मुआयना करेंगे, तो आपको भी दिखाते हैं चलो। हम वॉलमार्ट पूरा हमने छान मारा, मतलब बस खाने पीने किया, और यहाँ हम EMI पे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अवेलेबल नहीं है, सब कैश देना पड़ता है। तो बस अब बस का वेट करेंगे, 8:12 पे है, 7:50 हुई है, तो बस अभी बैठेंगे आराम से, फिर
चलते हैं बस अपनी बस बस में, फिर घर पहुंच के मिलते हैं आपको। इस अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, तो अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी बर्फ पड़ती है। अब तो पड़ नहीं रही क्योंकि समर चालू होने वाली है, बाकी ये देखो इस पहाड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी किस हिसाब से बर्फ पड़ती होगी यहाँ पे। ये देखो इतना बड़ा मतलब पहाड़ बन जाते हैं बर्फ इकट्ठी करते करते, और टेम्परेचर जाता है -40 तक। चेक करो वॉलमार्ट हो रहा और हम ये रहे, ये पहाड़ देखो बर्फ क्या है। और तो चलो अब बस आएगी फिर रूम पे जाएंगे। फाइनली गाइज हम घर पहुंच चुके थे, बहुत थक गए हैं, पूरा दिन आज काम किया, कल जाएंगे स्कोशिया बैंक, बैंक का काम करेंगे। अभी बस कुछ नहीं, बैठ के अपना रिज्यूमे बना रहे थे, तो बस रिज्यूम बनाएंगे अपना और आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कल आपको दिखाएंगे स्कोशिया बैंक और उसमें भाई कैसे अपना अकाउंट हम ले सकते हैं भाई, जो हम इंडिया से फीस जमा करवाते हैं। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और पिछले भी आपने देख लिए होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी ज़रूर करें। आज के लिए बाय बाय।